नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और आज की वीडियो जो है इस बारे में है कि जो भी लिस्टिंग हमारी इनएक्टिव ब्लॉक अमेज़ॉन कर देता है उसके रिगार्डिंग ये वीडियो है। अगर आपकी लिस्टिंग भी ब्लॉक है, इनएक्टिव है, वो एक्टिवेट नहीं हो पाती है तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। और लास्ट वीडियो मैंने बताया था लिस्टिंग कैसे करें जो प्रोडक्ट अमेज़ॉन पर पहले से है और जो प्रोडक्ट अमेज़ॉन पर पहले से नहीं है, तो उस वीडियो को देखने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं कि जो भी लिस्टिंग इनएक्टिव ब्लॉक होती है उसमें क्या इशू होता है और उसे कैसे एक्टिवेट करें। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ, आप सेलर पैनल ऑन कर लोगे और तो लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे इन्वेंट्री का ऑप्शन होगा, मैनेज इन्वेंट्री। इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अपना कैटलॉग मिल जाएगा जो भी प्रोडक्ट आपके लिस्ट हैं। उसके आगे आप देखेंगे ऊपर आ रहा है इनएक्टिव 80, ठीक है, तो इस पे आप क्लिक करेंगे जो भी प्रोडक्ट इनएक्टिव है वो यहाँ से शो होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट जो है प्राइजिंग इशू, सेकंड भी प्राइजिंग इशू है, मतलब इन दोनों प्रोडक्ट में इसको इनएक्टिव होने का रीज़न यही है कि इन दोनों में प्राइजिंग इशू आ रहा है। और इशू डिस्क्रिप्शन में भी आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है वी हैव डिटेक्टेड अ पोटेंशियल प्राइजिंग एरर, द प्राइस मे बी टू लो। जो भी प्रोडक्ट का एक्चुअल प्राइस है, अगर उस एक्चुअल प्राइस से अगर प्रोडक्ट ज़्यादा लो करते हैं या ज़्यादा हाई करते हैं प्राइस, तो ऑटोमेटिक अमेज़न इनको ब्लॉक कर देता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें अपडेट प्राइस करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या इशू है। तो पहला आप देख सकते हैं यहाँ पे अपडेटेड योर करंट प्राइस 450 MRP 990 और अपडेट योर मिनिमम प्राइस। अब मिनिमम प्राइस जो है हमें यहाँ पे जो रखना है वो हमारा करंट प्राइस से कम होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम सेल कर रहे हैं प्रोडक्ट को 450 में, जो कि प्रोडक्ट है 990 का, इसको हम सेल कर रहे हैं 450 में, तो यहाँ मिनिमम प्राइस कम से कम 450 हमें रखना पड़ेगा, तब ये प्रोडक्ट एक्टिवेट हो जाएगा। अब इसको हम सबमिट कर देंगे। मैंने फर्स्ट सबमिट कर दिया और सेकंड में भी ऐसे ही हम देखेंगे तो इसमें भी यही इशू है, सेम टू सेम। यहाँ पे 396 है और यहाँ पे 395 है, तो ये मिस्टेक हमसे हो जाती है जब भी हम कॉम्पिटिटर को देखते हुए प्राइस अपडेट करते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, मिनिमम प्राइस योर करंट प्राइस से कम होना चाहिए। तो यहाँ पे 395 में अगर हम सेल कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं 390 डाल देता हूँ। अभी इसको हम सबमिट कर देंगे, अब ये एक्टिवेट हो जाएगा। और जो मैं एक्टिवेट कर रहा हूँ ये मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि एक्टिवेट हुआ या नहीं हुआ। और इसके साथ ही हम देख सकते हैं यहाँ पे दूसरा ऑप्शन जो आ रहा है इनएक्टिव लिस्टिंग में, दूसरा है पोस्ट। दो प्रोडक्ट है इसमें, इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे पोस्ट आ रहा है, लेकिन इसका इशू डिस्क्रिप्शन पढ़िए, ये लिखा योर ऑफर इज पोस्ट पोटेंशियल क्वालिटी इशू, क्लिक एडिट कन्फर्म लिस्टिंग डिटेल्स। और ये बोल रहा है कि इसमें पोटेंशियल क्वालिटी इशू है इन दोनों ही प्रोडक्ट में, तो इसको हम एडिट करते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं जो भी इसमें इशू होगा तो वन बाय वन हमें देखना पड़ेगा, जो यहाँ पर रेड मार्क होगा वो क्वालिटी इशू में होता है तो उसे हमें ठीक करना होगा। तो फिलहाल इस प्रोडक्ट में कहीं पे भी कोई एरर यहाँ पर नहीं दिखा रहा है, तो इसमें मेन इशू जो था ये प्रोडक्ट जो है जीरो था, तो इसलिए क्वालिटी इशू इसमें बताया होगा। बट और जो भी डिटेल्स होती है डिस्क्रिप्शन वगैरह, कीवर्ड्स वगैरह, ये आप डाल देना। फिलहाल इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है, तो क्वांटिटी जीरो है तो इसने किया हुआ है, तो इसको सिर्फ हमें सेव एंड फिनिश करना है जो भी लिस्टिंग है, तो ये ऑटोमेटिक ही एक्टिवेट हो जाएगी। बट आउट ऑफ स्टॉक है तो ये आउट ऑफ स्टॉक रहेगी, और इसमें भी सेम कर देंगे। इसके आगे आते हैं, ये है आउट ऑफ स्टॉक, तो आउट ऑफ स्टॉक में हमें नहीं जाना है क्योंकि प्रोडक्ट वैसे ही जीरो है। अब ये प्राइजिंग इशू, प्राइजिंग इशू हमने अभी किया है तो ये शायद अब ना आए यहाँ पे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे नहीं आ रहा, दो प्रोडक्ट जो थे वो एक्टिवेट हो चुके हैं, तो उसको भी मैं दिखाता हूँ। और सेम इशू इस प्रोडक्ट में भी है, ये भी आ रहा है इसमें प्राइजिंग इशू, तो इसको भी हमें अपडेट करना है, अपडेट प्राइस। अब यहाँ पर भी देख सकते हैं जो इशू है इसमें ये है
कि करंट एमआरपी जो प्रोडक्ट का है 1000 है और जो सेल हो रहा है वो हो रहा है 530 में, और मिनिमम प्राइस मैंने डाला हुआ था 1300 रुपये। तो 1300 रुपये जो डाला हुआ था इसमें, तो इससे कम प्राइस में सेल हो रहा था, इसलिए ये अमेजोन ने इसको इनएक्टिव कर दिया है। तो इसको हम यहाँ से एक्टिवेट कर लेंगे। अगर हमारा सेलिंग प्राइस करेक्ट है तो हम इसको मिनिमम प्राइस सेट कर देंगे, जो कि 520 मैंने कर दिया, 10 रुपीज़ कम कर दिए हैं इससे, तो ये प्रोडक्ट भी अब एक्टिवेट हो जाएगा। सबमिट कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं जो प्रोडक्ट यहाँ पे दो इनएक्टिव थे वो यहाँ पे एक्टिव हो गया है। मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट है यहाँ पे इनएक्टिव शो हो रहा था, क्योंकि मिनिमम प्राइस जो है, योर मिनिमम प्राइस, मिनिमम प्राइस और योर मैक्सिमम प्राइस, इसके बीच में हमारा सेलिंग वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए ये इनएक्टिव था, तो ये एक्टिवेट हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ऐसे जो भी प्रोडक्ट थे वो सारे एक्टिवेट हो चुके हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगे, इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, तो इसे ज़रूर कर दें, जिससे कि आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाए, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।